हेलो गेमर्स, तो कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन फायर रेड के एक नए एपिसोड में। तो गाइस, आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको HM02 यानी फ्लाई कैसे मिल सकता है और आप उस पर बैठ के किसी भी पोकेमॉन पे बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हो। तो अभी फिलहाल हम सेलेडॉन सिटी में और अभी मैं आपको रूट दिखा रहा हूँ कि आपको कहाँ पे जाना है। तो गाइस, आपको राउट 16 में जाना है जहाँ पे आपको इजीली फ्लाई मिल जाएगा। एक लड़की वहाँ पे होती है तो ये आपको फ्लाई दे देती है। जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ आपको भी एग्जैक्टली वैसे ही जाना है। और गाइस, मैं आपको बता दूँ कि जो फ्लाई अटैक है उससे आप या तो किसी पोकेमॉन पे अटैक कर सकते हो या फिर अगर आपने उस पोकेमॉन को सिखाया तो उस पर आप बैठ के कहीं पे भी इजीली उड़ के जा सकते हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्री है जिसको हमें कट करना है। इसको कट करके फटाफट से हम निकलते हैं गाइस। ओके, सो बल्बसॉर ने इसको कट कर दिया। तो अभी ये देखो, यहाँ पे आपको एक छोटा सा घर दिखेगा। यहाँ पे ये वाला नहीं गाइस, इसके आर पार हमें जाना है। उसके बाद हमें एक छोटा सा घर दिखेगा जहाँ पे एक लड़की होती है। तो वही लड़की आपको फ्लाई देती है, बुढ़े बाबा को भगाओ पहले। तो ओके, सो यहाँ पे हम आ चुके हैं राउट 16 में गाइस। और यहाँ पे एक छोटी सी लड़की होती है, मतलब छोटी सी बच्ची होती है, जो बोलती है मैं काफ़ी खुश हुई कि तुम यहाँ पे आए और ये हमें फ्लाई देती है, इतनी खुश हो जाती है। तो देखो, इसे अभी आपको सिंपली बात करना है और बात करती है आपको फ्लाई दे देगी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बाहर जाके कि कैसे आपको फ्लाई यूज़ करना है और किस तरीके से आप पोकेमॉन पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा सकते हो। ओके, तो मैं फ्लाई मिल चुका है गाइस, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। ऑलराइट, तो अभी सबसे पहले ना आपको यहाँ सेलेक्ट दबाना है। उसके बाद बैग में मैं आपको दिखाता हूँ मुझे फ्लाई कहाँ मिला है। तो यहाँ TM केस में मुझे फ्लाई मिल गया है। तो उसको फटाफट से ओपन करके अभी मैं फ्लाई पर क्लिक करता हूँ और इसको अपने पोकेमॉन को सिखा देता हूँ। ओके, सो यूज़ पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे अभी मेरे पोकेमॉन फीरो सीख सकते हैं और पिजियोट सीख सकते हैं, पिजियोटो। तो अभी फिलहाल मैं फीरो को सिखाना ज़्यादा पसंद करूँगा। ओके, सो सबसे पहले हमें फीरो को सिखाने के लिए ना उसके एक अटैक को भूलना पड़ेगा, तभी हम फीरो को सिखा सकते हैं। ऑलराइट, तो फटाफट से मैं इसके एक अटैक को भूल जाता हूँ। उसके बाद फिर हम सिखाते हैं। ओके, सो ये फालतू सा अटैक था। तो गाइस, अभी फिलहाल इसको भूल जाते हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फीरो पे बैठ के हम कैसे उड़ सकते हैं। तो यहाँ से आपको फटाफट से बैक करके वापस आ जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोकेमॉन, तो पोकेमॉन पे क्लिक करो फटाफट से। और आपने अभी जिस पोकेमॉन को सिखाया, लाइक मैंने फीरो को सिखाया, तो फीरो पे जाके क्लिक करना और वहाँ पे फ्लाई क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सिटी दिख रहे होंगे, तो आपको आप जिस सिटी में जाना है, लाइक मेरे को सेरुलियन सिटी में जाना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और अब मैं फीरो पे बैठ के ईजिली जा सकता हूँ। तो गाइस, इस तरीके से ना आप किसी भी सिटी में पोकेमॉन पे बैठ के जा सकते हो। तो यही था इस वीडियो में, और बाकी अटैक भी आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, यही था इस वीडियो में, बाकी एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको वीडियो कैसे लिए कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखना।